माल हो गया ख़त्म, पीछे माल एक्सपोर्ट हो रहा है, माल मंडी के अंदर बहुत आ रहा है मगर कराची में पूरा नहीं हो रहा। एक साइड का सीजन है बलूचिस्तान का प्याज का भी टमाटर के, अब एक साइड कहाँ कहाँ पूरा करा है, माल जा रहा है बाहर जब भी माल महंगा। तो ये बताएं लोग ले रहे हैं आपसे 200 रुपए फी किलो? 200 भी ले रहे हैं, 200 आज से तीन दिन पहले 240 भी लोगों ने लिया, जो खाने वाले हो तो खा रहे हैं। तो आपको खुद मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता? हमें तो सामना करना पड़ रहा है ना मुश्किलात का, मंडी के अंदर जब सोचते क्या है होता क्या है, जेहन बना के आते 200 रुपए किलो का, वहाँ से हमें 250 रुपए किलो लेना पड़ता है। रात को रेट कुछ होता है, सुबह कुछ रेट होता है, जब रात में माल ज़्यादा होता है तो कभी माल दाम गिर जाते हैं, कभी माल सुबह में कम हो जाता है तो दाम बढ़ जाते हैं, हमारे को तो खुद मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हर मुल्क के रास्ते बंद हो गया इस पाकिस्तान के ऊपर, एक टमाटर पाकिस्तान में नहीं हो सकता है, क्या हो गया इस मुल्क को, हम लोगों को ज़िंदगी से तंग कर दिया। जिस बंदे से नहीं हो सकता है तो छोड़ दिया अपना हुकूमत, लाजमी तो नहीं है कि आपने पकड़ के रखा हो। हर चीज़ महंगी है, भिंडी देख लो 120 रुपये किलो है, तूरी देख लो, अब एक मजदूर है 500 रुपये कमा रहा है, 500 रुपये उसकी गरीब की दिहाड़ी है, सारा दिन मजदूरी करेगा, काम करेगा, दुकानदार उससे काम करवाएगा, 6 बच्चे उसके हो गए, एक बीवी हो गई, 8 अफराद कर लो, 8 अफराद खाली सब्जी में पूरा करेगा, दूध कहाँ से खाएगा, गैस कहाँ से देगा, बिजली कहाँ से देगा, पानी आ नहीं रहा, टैंकर माफिया का। पंजाब में भी मतलब कहने का और इलाकों में भी 300-200 रुपए ऐसे बिक रहा है हिसाब किताब। अच्छा, क्या वजूहत है जो इतना ज़्यादा महंगा? पैदावार कम है ना, पैदावार कम है, कुछ कीड़ा लग गया फसलों के अंदर, फसलें खराब हो गई इस वजह से। हाँ, टमाटर 400 रुपए तक खरीदा है लोगों ने, 300 रुपए तक। हाँ, आपको लगता है हुकूमत इसकी जिम्मेदार है जो महंगाई थी? हुकूमत जिम्मेदार है, क्यों, हुकूमत बाहर से माल मंगाती थी पहले, अब कोई भी नहीं मंगा रहा है, इमरान साहब जो है ना बिल्कुल भी नहीं मंगा रहे माल बाहर से, ना आवाम की तरफ कोई तवज्जो है। उसको कोई 10 रुपए भी नहीं ले, जो 100 रुपए का बिक रहा है, वैसे तो टमाटर 250 रुपए किलो बिक रहा है, सब्जी के हर रेट जो है ना 100 से ऊपर ही है। और क्या क्या चीज़ आपको महंगी मिल रही है? महंगी तो सब ज्यादा महंगी है, सब चीज़ महंगी है, कोई सस्ती नहीं है। तो कितना मुश्किल हो रहा है गुजारा करना? बस हो जाता है, क्या करें, क्या बोलूं बेटा, महंगाई आपको तो खुद अंदाज है कि मैं क्या बताऊं। हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत से क्या कहना है, बेगैरतों का टोला है बस, और कुछ भी नहीं है, बेहिस और बेगैरत लोग हैं और कुछ नहीं है। बेरोजगार है सब, मुझे काम नहीं है, टमाटर 200 रुपए किलो है, आवाम क्या करे, इससे तो नवाज शरीफ का हुकूमत फिर भी सही था, कुछ तब्दीली तो आया था ना, किलो लाए गोली के बराबर, तो क्या करेगा इमरान खान, क्या करेगा नवाज शरीफ, क्या करेगा जरदारी, क्या करेगा, पहले मेरे को ये जवाब दो, ये जो लाखों आदमियों को बेरोजगार किया इधर, इसका क्या होएगा? टमाटर तो अपनी जगह पे है, चीनी अपनी जगह पे है, नमक अपनी जगह पे है, पेट्रोल अपनी जगह पे है, ये जो लाखों आदमियों को बेरोजगार किया इसका क्या होगा? पूरा एक साल हो गया, इसका जवाब बताओ, यकीन करोगे नहीं करोगे? मेरे पास ये टमाटर का पैसा भी नहीं था। क्या देखते हैं, अभी सारी सब्जी सस्ती है, टमाटर समझो टमाटर का रेट आउट है, बाकी सब्जी सारी सस्ती है। सब्जी खुद भी मतलब कमाने वगैरह में और चीज़ें खरीदें, आपको क्या मुश्किलात का सामना महंगाई का? महंगाई तो है, मगर जो चीज़ महंगी है वो तो महंगी है, बाकी सब्जी कोई महंगी नहीं है। गुजारा हो रहा है आपका, महंगाई हो रहा, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा, क्या करें अभी। सही बात है, बिल्कुल इतनी महंगाई है कि सब्जी खाए कि दाल खाए, दाल भी उतनी महंगी, सब्जी भी उससे ज़्यादा महंगी हो गई है। तो आप खरीद रही हैं टमाटर? बिल्कुल, जहर से ये देखें ना, 100 रुपये के खरीदे, 60 रुपये आलू, और वहाँ वहाँ प्याज है जिसको पूछा नहीं करते, वो 70 रुपये किलो हो गया, इतना महंगा है, हम गरीब बंदे कहाँ जाएं, भीख मांगे कहाँ जाएं। इमरान खान तो चढ़ गया, गो भी नहीं कर रहे हैं, अभी क्या करें, हम कोशिश कर रहे हैं, मौला फजरा मर गया है, इंशाल्लाह ताला हमारी जन आज़ाद हो जाएगी। बहुत मुश्किल हो गया है गुजारा करना, उससे ज़्यादा मुश्किल, खाना पकाने के लिए सोचो और जब मार्केट में लेने जाओ तो मायूस होकर वापसी आ जाओ। इसके दौर में जो है ना महंगाई डबल से भी डबल हो गई है, चार ने चीज़ जो है ना 125 रुपए की होगी, रुपए की तो छोड़ो, उसके वादे झूठे और यूटर्न लेता है, उसके आदमी ये बोलते हैं मंडी में 17 रुपए। राजकुमार
कस कस बनाता नमक हम तो सरकार कुछ नहीं दे रहा है।